नंबर एक, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद सबसे पहले जमीन पर अपना दायां पैर रखें। ऐसा करने से काम में कभी रुकावटें नहीं आती हैं। नंबर दो, हर सोमवार भगवान शिव के सामने आटे का पंचमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके हर काम सिद्ध होते हैं। नंबर तीन, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते समय तीन तुलसी के पत्ते खाकर निकलें। इससे आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। नंबर चार, रोज सुबह घर में पूजा पाठ और आरती करते समय आरती के दीपक में तीन लौंग डालकर आरती करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है और हर काम में विजय प्राप्त होती है। नंबर पाँच, किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ काम के लिए घर से निकलते समय अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में रुकावट ना आए तो अपने घर के मुख्य द्वार से अपना दायां पैर पहले बाहर रखें। नंबर छः, अपने हाथों से आटे का पंचमुखी दिया बनाकर हनुमान मंदिर लेकर जाएं और उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान जी के चरणों में जलाने से हर काम में आ रही बाधा दूर होती है। नंबर सात, एक नारियल के ऊपर सिंदूर से तिलक करें और उसे साथ में लेकर अपने कार्य पर जाएं और जब कार्य सफल हो जाए तो इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें। नंबर आठ, हर शनिवार को संध्या काल के समय पीपल की जड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भी काम सफल होते हैं। नंबर नौ, हर सोमवार मंदिर जाकर शिव जी को हल्दी मिले हुए दूध से अभिषेक करें और उनके सामने पंचमुखी दीपक जलाएं। नंबर दस, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। नंबर ग्यारह, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है, इसलिए प्रतिदिन अपने से बड़ों का पैर छुएं। उपरोक्त किसी भी उपाय को मन और श्रद्धा से करने पर आपको हर अच्छे कार्य में सफलता मिलेगी।